आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हम मौजूद हैं। महेंद्रगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र नारनौल में मौजूद हैं, और नारनौल हरियाणा का अच्छा खासा शहर है, और यहाँ पे बहुत ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जो पुरानी बावड़ी वगैरह, यहाँ प्रसिद्ध शहर है नारनौल का, और इसके आगे राजस्थान की सीमा लग जाती है। मैंने बहुत इंटरव्यू किए पूरे हरियाणा प्रदेश में, हर IAS से मिला है, गरीब से लेकर अमीर तक, कैसे पढ़ाई गई, कैसे पहुँचे, लेकिन किसी लड़की का मैंने इंटरव्यू नहीं किया। कई जगह से बातें निकल के आ रही थी, कई लड़कियों के फ़ोन आ रहे थे, किसी लड़की का करके। मेहर पवार के पास पहुँचे हैं, नारनौल में रहते हैं, और इनके पिताजी हैं मेरे साथ, और इनके माताजी भी मौजूद हैं। इनसे सबसे जानेंगे बारी बारी से, आखिर क्या सपना था, क्यों पहुँची आता। मेहर पवार जी, हरियाणा न्यूज 24 का आपका बहुत बहुत स्वागत जी। धन्यवाद मेहर जी। क्या सोचा, कभी एक सपना तो नहीं लग रहा है जी? अभी वैसे तो पूरा सिंकिंग नहीं हो रहा है कि सिलेक्शन हुआ है या नहीं है, मतलब पूरा सिंकिंग नहीं हुआ है। बाकी ये सपना भी है, और सपना भी थोड़ा अधूरा है, क्योंकि अभी और तैयारी करके अभी IAS तक के लिए और अटेम्प्ट देना है। तो अभी तो मैं खुद को एस्पिरेंट ही समझ रही हूँ, सिलेक्टेड कैंडिडेट कम समझ पा रही हूँ। सिलेक्शन हो चुका आपका, अब फिर सपना अधूरा? वो इसलिए सर, क्योंकि रैंक जो है वो जितना चाहिए था एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम है, या सपना था उससे थोड़ा रैंक पीछे है, तो उस रैंक को इम्प्रूव करने के लिए और थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ दोबारा से ट्राई। हाँ जी, दोबारा से एक और। आपका मतलब कहने की ये है, मैं जनता को, पूरे जिले को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, ये कही आपको? हाँ जी बिल्कुल। IAS या IPS का तो रिप्रेजेंट करते हैं पूरी पब्लिक को, आपके दिल में टीच है, रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। हाँ जी बिल्कुल, IAS बनने का ही लक्ष्य था, और IAS का मुझे लगता था कि ये एक जॉब है जो बहुत डाइवर्सिटी भी ऑफर करता है, और आपको बहुत सारे चांसेस देता है कि आप कुछ ऐसे चेंजेस कर सकें सोसाइटी में, पॉलिसीज़ को बेहतर इम्प्लीमेंट करके, इसके साथ साथ पॉलिसी बनाने में भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वो एक लक्ष्य था कि हाँ, ये काम मुझे करना है। तो अभी वहाँ तक तो नहीं पहुँचे हैं, तो उसके लिए और ट्राई करना है। मेयर, दिल में ऐसा क्यों आता है आपको? अच्छे खासा आपका रैंक है, चलो आ चुका है, सर्विस मिलनी तय है, सैलरी वही मिलेगी, 1 लाख की नौकरी, तो फिर क्यों, क्या दिल में टीच रह जाएगी आपकी, नहीं नहीं मैं संतुष्ट नहीं हूँ, और मैं तो जनता को ही, पूरे जिले को रिप्रेजेंट ही करूँगी, क्यों? जी सर, उसके पीछे ये कारण है कि मैंने जब सोचा कि मुझे क्या बनना है, तो मैंने IAS पे ही नैरो डाउन किया, और मुझे लगा हाँ, ये एक चीज़ है जो मैं सेटिस्फाइड हो करके कर सकती हूँ, ये एक ऐसा जॉब है जो मैं पूरी उम्र भी करूँ तो भी मुझे अंदर से बहुत संतुष्टि भी मिलेगी। क्यों, क्यों संतुष्टि मिलेगी, ऐसा क्या? जी तो IAS के पास जो स्कोप है, एक बहुत ब्रॉड स्कोप है, आप केवल एक डिपार्टमेंट, मान लीजिए रेलवेज में मैं कल को नौकरी कर रही हूँ, तो मैं जी, तो एक सीमित दायरा है। उसी तरीके से मैं पोस्टल सर्विसेज में हूँ, वो भी एक सीमित दायरा हो गया है, रेवेन्यू में हूँ, वो भी एक सीमित दायरा है। IAS का मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा विस्तार है, तो बचपन से ही मेरे बहुत सारे इंटरेस्ट्स भी रहे हैं, तो मुझे लगा लेकिन जिम्मेवारियाँ भी बहुत ज़्यादा है, विस्तार का मतलब जिम्मेवारियाँ भी IAS की बहुत ज़्यादा होती है, ये सोच लेना जी। तो जिम्मेवारियाँ निभाने के लिए भी तैयार हूँ। यानी कि पैसे नहीं कमाने, पैसे तो आपको एक, अभी आप जो आपके डिपार्टमेंट में आप गिनवा रही हैं, सैलरी तो उनमें भी वही मिलनी है, लेकिन आपका संतुष्टि नहीं है, पैसे बराबर मिलते हैं तो क्यों बर्डन लेनी, पैसे आपको मिल ही रहे उस नौकरी में, 1 लाख की नौकरी है अभी, तो आप आराम से अपना नौकरी कीजिए जी। वो पैसा मोटिव ही नहीं है, मोटिव जो है वो उसी से पूरा हो सकता है, ये कारण है। तो मेहर, क्यों आखिर IAS बन के ऐसा आप जैसे बन जाते हैं, ऐसे क्या मतलब टीस है दिल में, मतलब क्या ऐसा है हम, मैं करना चाहती हूँ, या ऐसा कोई आपके साथ वाक्या हुआ हो, हाँ IAS अधिकारी ने कहीं आपको नेगलेक्ट किया हो, या कहीं प्रताड़ित किया हो, या कोई और भाई देखा हो कोई इस तरीके से, तो आपने कभी दिल पे ठेस पहुँची हो, नहीं अगर मैं होती हूँ या मैं बनूँगी तो मैं इस तरीके की व्यवस्था को चेंज करूँगी, ऐसा क्या कुछ हुआ? जी तो सर, IAS बनने के पीछे दो कारण हैं, एक तो नेगेटिव, एक पॉजिटिव, दोनों तरीके से देख सकते हैं। तो नेगेटिव साइड पे, जैसा आपने बोला कि बहुत बार क्या होता है, उच्च जो अधिकारी होते हैं वो आम जनता को उतना अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, तो ट्रीटमेंट में बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो उसके लिए भी मुझे अंदर से महसूस होता है कि मैं सबको अच्छा
ट्रीट करना चाहती हूँ। तो जो भी समाज में व्यक्ति है छोटे से छोटा, उसको छोटा महसूस नहीं होना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि हाँ मेरे लिए कोई है, मेरे लिए भी सरकार सुनती है, ना सिर्फ सरकार सुनती है, मेरे तक भी जो है एक आदर सम्मान। डिग्निटी तो सबका एक अधिकार है, ह्यूमन बीइंग आप हैं तो एक बेसिक डिग्निटी तो आपका अधिकार है, तो वो एक डिग्निटी और एक रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट हर एक को मिलना चाहिए। वो भी अंदर से हमेशा एक मोटिव रहा कि हाँ मैं बनूँ तो मैं ऐसा सबको अच्छा ट्रीट करना चाहूँ। एंड जैसा कि आप बता रहे थे सर कि एक डीसी जो होता है वो तो पूरा डिस्ट्रिक्ट का रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो जैसा बिहेव करेगा उसके अनुसार डिस्ट्रिक्ट के बाकी ऑफिशियल्स भी बिहेव करने लगेंगे। तो आप बाकियों का भी एक व्यवस्था में, एक वर्क कल्चर में इस तरीके का बदलाव ला सकते हैं कि हर एक व्यक्ति जो भी आए सरकार के दरवाजे तक वो एक अच्छा ट्रीटमेंट रिसीव करके ही जाए। दूसरी ओर पॉजिटिव साइड पे देखें तो बहुत सारे IAS ऑफिसर्स हैं जिनका काम देख करके बहुत इंस्पिरेशन मिलता था। इस तरीके से बहुत सारे पॉलिसीज़ में भी जो हम पढ़ के बहुत अच्छा महसूस करते थे कि ये कितनी अच्छी पॉलिसी है, हमारी सरकार इतना बड़ा ज़िम्मा उठा रही है हर बच्चे को शिक्षा पहुंचाने का, फिर जिस दिन पता चला कि हाँ ये एक IAS ऑफिसर के दिमाग से निकला था तो लगा कि हाँ इस जॉब में तो बहुत स्कोप है। तो फिर मुझे लगा कि कुछ करना है, तो इससे ज़्यादा स्कोप तो और कोई जॉब प्रोफाइल ऑफर नहीं करती है। ये मेहर पवार है, ये वास्तव में कुछ करेगी पक्का, क्यों मैं जितने इंटरव्यू कर चुका हूँ सभी बच्चे अच्छे थे, पहले नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, पांचवा, आठवां, दसवां, सब अच्छे हैं, लेकिन इस लड़के में कुछ खास है। मेहर अभी इस पूरा हरियाणा, पूरा भारत देख रहा है आपको, आप पढ़ाई शुरुआत से आपने कोई बेस बना लिया था या फिर आपने ग्रेजुएशन करने के बाद ही कुछ पलटा मारा? तो IAS हमेशा से बैक ऑफ द माइंड था, मैं ये कहूँगी, बचपन से लगता था कि हाँ किसी दिन ये। घर वालों ने प्रेशर नहीं दिया किसी ने? प्रेशर नहीं, बोलते रहते थे हाँ बड़े हो के IAS बनना, बड़े हो के IAS बनना, उस तरीके से नहीं, ये नहीं कहा जबरदस्ती नहीं बनना, नहीं पढ़ो, नहीं आज बैठ करके इसके लिए पढ़ो, ऐसा किसी ने नहीं कहा, और कोई कहता तो मैं शायद पढ़ती भी नहीं। और बाकी बैक ऑफ द माइंड था कि हाँ भविष्य में ग्रेजुएशन के बाद ये एक एग्ज़ाम लिखना है, पर इन बिटवीन पूरे टाइम ही बदलता रहा वो लक्ष्य, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग इंटरेस्ट रहे, तो कभी कहीं रुझान हो जाता, कभी कहीं रुझान हो जाता। बचपन में किताबें पढ़ना पसंद था तो मैं सोचती थी मैं बड़ों के राइटर बनूंगी, फिर मुझे लगता था कि नहीं पैसा कमाना तो चाहिए। सुंदर है, आप ये नहीं सोचा मैं कभी फिल्मों में हीरोइन बनूंगी? नहीं इतना तक तो नहीं सोचा, बाकी पढ़ाई और उस क्षेत्र में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था, तो डॉक्टर बनने का भी बीच में थोड़ा सा मैं सोचा, फिर मैं इकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, तो फिर मैंने 11वीं में बायोलॉजी पढ़ा उस लक्ष्य से कि हाँ मैं आगे जाके इकोलॉजिस्ट बनूंगी और वाइल्ड लाइफ को ऐसे स्टडी करूंगी। फिर उसके बाद 12th एंड होते होते फिर से और माइंड चेंज होने लगा, हाँ फिर पॉलिटिकल साइंस मैंने डिसाइड किया कि मैं कॉलेज में पढ़ूंगी, कि ये सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि साइंस पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता था समाज को हमारे समझने की क्षमता थोड़ी कम हो गई है तो सोशल साइंसेस पढ़ना चाहिए, तो पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया। उस टाइम पे जो प्रोफेसर्स थे उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलता था, तो लगता था कि हाँ मुझे भी ऐसा करना है, एकेडमिक्स में जाना है, आगे पॉलिटिकल साइंस की स्टडी कंटिन्यू करनी है, तो मैंने आगे मास्टर्स में भी एडमिशन लिया JNU में। अच्छा कौन सा है? अभी 772 है, 772 रंग, काफ़ी अच्छा है, रंग भी जितना कम नहीं है जितना आप बता रही है। अच्छा मुझे ये बताइए, चलो आपने अभी मतलब कौन सी किताब जो आपकी थी, अभी बच्चियाँ देख रही हैं फोकस रखा NCERT या फिर लोकल प्रकाशक, मतलब किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत दिया? जी तो सर शुरुआत हम NCERT से ही करते हैं, क्योंकि हमें हर एक सब्जेक्ट की बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो NCERTs हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की NCERT है, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस की NCERT है, ये तो आपका बेस है। इसके अलावा फिर कुछ और ऐसी किताबें हैं जो हर कोई पढ़ता है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत नाम की एक किताब है, फिर इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह नाम की एक किताब है, और फिर है इकोलॉजी, उसके लिए एक सी राजगोपालन नाम के प्रोफेसर हैं, उनकी एक किताब है। तो ये सारी किताबें बेसिक किताबें थी, ये तो मैंने पढ़ी, बहुत बार पढ़ी। इनके अलावा फिर आता है करंट अफेयर्स, सो करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर्स फॉलो किए, हिंदू रेगुलरली फॉलो, मोबाइल जैसे यूट्यूब वगैरह जी ये भी देखते रहे, जैसे कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर ढूंढते ढूंढते इंटरनेट को भी बहुत यूज़ किया, तो वो तो है क्योंकि मोस्टली सेल्फ स्टडी किया, तो वही एक सोर्स था
कोई भी डाउट क्लियर करने के लिए या कोई भी गाइडेंस चाहिए थी तो इंटरनेट ही एक सोर्स था, तो इंटरनेट को भी बहुत यूज़ किया। बाकी किताबें हैं प्लस न्यूज़पेपर्स। जी क्या नाम? अनीता पवार नाम है। पवार काफ़ी हंस रही हैं तो ये हाँ जी खुश। अभी आपने थोप तो नहीं दिया बेटी पे? नहीं IAS बनना है नहीं तो घर से निकल जाइए। बिल्कुल नहीं, मैंने तो कभी ये भी नहीं पूछा भाई तेरे नंबर कितने आए, या मैंने कंपैरिजन कभी किसी से नहीं किया बच्चे से, जैसे नहीं किया जैसे भाई तेरे साथ के क्या हुआ क्या नहीं, बस ये है तेरे को सीखना है, ये नहीं नंबर गेम नहीं है भाई तेरे 99% ही आने या 90% आने, इसमें कोई वो नहीं है। मैं पूछती भी नहीं, बस ये है आपने उस चीज़ को कितना समझा है, क्लास को कितना समझा है, इसी पर मतलब कि रहा। और कभी नहीं थोपा इधर सामने बैठी है, और अभी भी इसका मैंने कभी ये नहीं कहा भाई तेरे को आगे भी पढ़ना, ये इसी का ही अपना है, इसमें भी इसको अच्छा खासा मिल जाएगा। अभी IRS है, आराम से बैठेगी भाई, कोई आपने जैसे बताया था भाई सैलरी में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और जिम्मेवारियाँ भी कम है। जैसे अभी तो जोश जोश में बच्चे कहते हैं भाई ये IPS चाहिए IAS चाहिए, लेकिन इनके साथ भी जैसे पॉलिटिकल काफ़ी खींचतान रहती है, तो जैसे जैसे मतलब की एज हम लोग जैसे है तो यूँ लगते शांति शांति शांति, तो उस हिसाब से मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसी भी मिल जाए। क्लास वन ऑफिसर तो वैसे ही बन चुकी है, इसमें कोई उदाहरण मुझे तो अपनी बेटी पे। लेकिन संतुष्टि नहीं है इनको नहीं, मुझे सैलरी नहीं चाहिए क्लास वन ऑफिसर की, तो मैं रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ पब्लिक को। बच्चे ना अपना जज्बा रहता है, हम कुछ समाज में बदलाव करें, ये करें, ये हो रहा है वो हो रहा है हर जगह, ये पढ़ते हैं ना तो ये सोचता भाई अभी मैं ये भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, ईमानदारी ले आऊंगा, तो अंदर से जज्बा इनको ये रहता है भाई मेरे को ये मिल जाएगा तो ये कलम की ताकत होती है, तो अंदर से इनको ये लगता है। आप भी बैंक के मैनेजर? हाँ जी मैं SBI मैनेजर हूँ। सभी सुन रहे हैं, ये मेहर है, इनके माता जी इनके पिताजी मेरे साथ बैठे हुए हैं, ऐसा कोई नेता नहीं रहा होगा जिसको मैं इंटरव्यू लीक किया हो। लेकिन जहाँ महिला की बात आती है ना, हम मैं वहाँ जाके थोड़ा ठिठक जाता हूँ, क्यों थोड़ा डर सा मन में हो जाता है, क्या पूछूंगा क्या जाऊँगा। वैसे मैं कभी किसी से डरता नहीं हूँ इंटरव्यू करने में, खासकर कारण हो सकता है क्योंकि इम्पोर्टेंट पोजिशन पर कम महिलाएँ हैं, तो लोगों को उनसे कम इंटरेक्ट करने को मिलता है, तो एक ही भी इसका कारण हो सकता है। जी मैनेजर हैं, लाखों लोगों से हजारों लोगों से कम से कम 1000 लोगों से रोज़ आना जाना लेना देना पड़ता है आपको, और डांट भी खानी पड़ती है और उनको डांट मारनी भी पड़ती है, क्या सही है ना? नहीं वैसे मेरी पहले नेचर तो ठीक अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं ब्रह्मा कुमारीज में जाती हूँ, मेरे को 10-12 साल हो गए, तो उसके बाद ना मेरा काफ़ी एटीट्यूड ना चेंज हो गया उधर से जाने से, सरल नेचर हो गई है, हर इंसान को मतलब कि हम लोग एज ए सोल देखते हैं। झूठ मत बोलो जी, बैंक वाले सबसे 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 खतरनाक है, एक छोटे से काम के लिए 10 चक्कर कटवा देते हैं बेचारे के, उसके लगता है जैसे ना वो हम लोग चाहते कुछ और हैं वो कुछ और समझता है, इसलिए उसको ये लगता है मैं यहाँ गया वहाँ गया, लेकिन एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग का मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज मतलब कि मेरे को नहीं लगता कोई मेरे से नाखुश है अभी भी। आपकी बेटी के संस्कार आपसे मिले हैं तो हम भी स्वाभाविक है, आपके पास कोई बुजुर्ग आदमी आता होगा, आपके पास कोई बुजुर्ग महिला आती होगी, आपके पास कोई खपटा पुराना कपड़े में पीछे लाइन में खड़ा होता होगा, तो जो आप मॉनिटर में अंदर देखती हैं तो शायद आपकी बेटी ऐसी है तो आप सोचते हो कि उस पीछे बुजुर्ग खड़े हैं फटे पुराने उनको अंदर बुलाइए पहले काम कीजिए, सही दिया वैसे? नहीं मैं करवाती भी हूँ ऐसी बात नहीं, बल्कि मैं हॉल में भी चक्कर लगाती हूँ भाई कोई ऐसे है कोई जो मतलब कि नहीं कर पा रहा है काम अपना, तो मैं किसी की भाई हेल्प PN को बोल के उसका करवाना, इस तरह से मेरी नेचर रहती है, या फिर बीमार लगता है या कोई मतलब कि ऐसे लग रहा है भाई डिसेबल है तो उसको भाई अपने पास बुला के भाई उसका काम करवाना, मेरा ये नेचर रही है हमेशा। बाकी बैंक वाले छोटे से काम के लिए घर से 4-5 बुलाते हैं, 4-5 बार नहीं ऐसा तो नहीं है। देखिए सुरेंद्र जी ये हमारे मैनेजर हैं, ये तो हमारे टेली में मैनेजर है सुरेंद्र सर, ऐसा तो नहीं है कुछ ही। मैं उसको मानता हूँ जो पब्लिक डीलिंग अच्छी है, अधिकता के कारण कुछ ऐसा होता है, बट मतलब नोट हमारी फीलिंग ऐसी नहीं है जैसे बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे, कई बार हम लोग किसी को नहीं सुन पाते तो उनको भाई ऐसे लगता है भाई मेरे को इग्नोर कर दिया, अदरवाइज अंदर से हम लोग सारे अच्छे हैं बैंकर्स तो लगे सारे अच्छे हैं बैंकर्स। चलो आपकी थोड़ा ना अधिकता के कारण हम लोग थोड़ा इस तरह से थोड़ा कई बार ऐसे भी बोलना पड़ जाता है आप ये हो जाओ थोड़ा आप उधर चले जाओ ये चले जाओ, बट ऐसा नहीं है मतलब कि सभी। देख लो जी आपकी बेटी भी DC बन के आ रही है और आपके बैंक पे सबसे पहले रेड मारनी पड़ेगी, क्यों क्या कहेंगी
आपकी माँ के बंक पर पहले रेड मारने की जरूरत पड़ी तो क्या बक्स छोड़ देंगे? नहीं मम्मी है जाने दो ना, नहीं इससे पहले झटका इनको ही। हाँ जी नहीं जरूर आगे बढ़ के, क्योंकि आपको एक एग्जांपल भी सेट करना है, तो अपने खुद के ही ठीक नहीं होंगे तो दूसरों को आप क्या कहेंगे? मेहर बहुत बच्चियाँ हैं आपकी बातें सुन रही है गौर से, तो क्या एक बड़े स्कूल में पढ़ना लड़के को जरूरी है, एक इंग्लिश मीडियम में पढ़ना जरूरी है, अच्छा पैसा होना जरूरी है, वो या आईएएस आईपीएस बन सकती है या फिर नॉर्मल खेतों में काम करने वाली पढ़ते पढ़ते बन सकती है? नहीं सर बिल्कुल ज़रूरी नहीं है बड़े स्कूल में पढ़ें या इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, दोनों ही चीज़ें बिल्कुल ज़रूरी नहीं हैं। इस एग्ज़ाम में तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, दुनिया में और चीज़ों में चाहिए होता होगा, इस एग्ज़ाम में नहीं है। और ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं जो लोग एकदम छोटे, हमारे इतने आस पास के गाँव से इतने लोग निकले हैं और ऐसे ऐसे कंडीशन निकले हैं। हाँ जी फिर भी दुख नहीं है वो तो रहता है, फिर भी रिलेटिवली देखें तो इस एग्ज़ाम में काफ़ी निकलती हैं। पिछली बार भी आईएएस थे 50 से अधिक थे, इस बार भी अच्छा है तो निकलती हैं, पर और भी निकल सकती हैं, कम में खुश नहीं होना चाहिए, कम से कम 50% तो निकलें। मेहर कितने घंटे पढ़ाई करते जी? तो सर मेरा तैयारी थोड़ा लंबा चला, मैंने 17 से फुल टाइम पढ़ना शुरू किया था, तो 17 से जो वो सेकंड अटेम्प्ट था, इनफैक्ट पहला अटेम्प्ट ये थर्ड अटेम्प्ट था, तो सेकंड अटेम्प्ट मेरा फुल टाइम पढ़ के मैंने दिया था, उससे पहले वाला तो थोड़ा बहुत तैयारी। तो सेकंड अटेम्प्ट में नहीं है सिलेक्शन? उस टाइम तक मेंस लिखा था, इंटरव्यू तक नहीं पहुंची थी, तो मेंस तक हुआ था। सेकेंड अटेम्प्ट में मैं फुल टाइम पढ़ती थी तो मैं कोशिश करती थी 12 घंटे तो रहे, तो एवरेज रहता था 10-12 घंटे ऐसा मेंटेन रहता था। जरूरी है 10-12 घंटा? ज़रूरी है क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा है, तो अनलेस कोई बहुत ही स्पीड से पढ़ सके उसको शायद कम लगता होगा, पर नॉर्मल इंसान को लग जाता है, अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो ज़रूर लग जाता है 8 से 12 घंटे के बीच में, तो आपको रखना ही चाहिए ताकि आपका कोर्स तो पूरा हो, ढंग से पूरा हो। तो ऐसा रहा, फिर उसके तीसरे अटेम्प्ट में फिर थोड़ा कम हो गया क्योंकि फिर बहुत कुछ सीख लिया था, तो फिर वो थोड़ा 6 से 8 के बीच में भी काम चल जाता था। आप इनके पापा जी हैं, क्या नाम? महेंद्र पवार मेरा नाम है। महेंद्र पवार जी आप सुन रहे हैं, आप बोल नहीं रहे हैं कितने लड्डू फूट रहे दिल में? ना ठीक, बेटी ने डंका बजा दिया? मैं डंका बजा दिया जी, चारों तरफ हरियाणा। हाँ जी सोचा था कभी बेटी? ना इस पे भरोसा था, इतना मेहनत तो करती है ये, आईएएस बन जाए। हाँ वैसे सिंसियर बहुत है, शुरू से ही बचपन से ही ना खेलती कूदती बाहर घर पे रहती है, बचपन से ही कभी बाहर नहीं निकले। तो डीसी बन गई? हाँ तो वो सिला मिला उस मेहनत का। हाँ जी तो कभी बीच में थोड़ा संबंध नहीं डगवाया कभी आपका? नहीं बच्चे नहीं कर पाएगी नहीं कर पाएगी? ना कुछ नहीं, भरोसा ही था इस पर, आराम प्रॉपर आ जाएगी अगले टेस्ट में। अगले टेस्ट में हाँ आईएएस? नहीं आईएएस तो बन चुकी टॉप रैंक लेगी ना, टॉप रैंक है। अच्छा तो या फिर आप ये एक राज की नौकरी को छोड़ देंगे फिर दोबारा से? नहीं सर छोड़ूंगी तो नहीं, छोड़ना तो उतना रैशनल डिसीजन नहीं रहेगा, बाकी अगला एग्ज़ाम भी अभी है, 2 महीने बाद है और फिर जनवरी में मेंस है, तो बहुत ही नज़दीक है और अभी भी काफ़ी कवर कर लिया है। पहले उस पर काबू करेंगे उसके बाद इसको रिजल्ट दे देंगे, क्योंकि सर अभी भी जब ये 3 साल जब तैयारी किया तो उस समय भी एक ही कंसर्न रहता था कि ये नहीं तो फिर क्या, तो वो एक जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए भी, और फिर पेरेंट्स के लिए भी लगता है कि हाँ अब इनको सपोर्ट करना शुरू कर देना चाहिए, कब तक इनके पैसे पे पलते रहेंगे, तो वो भी एक कारण है, तो कुछ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और सिक्योरिटी वो सब कारण हैं, और बाकी जो भी जॉब मिलते हैं वो अपने आप में बहुत अच्छे होते हैं, बस प्रेस्टीज सैलरी की बात नहीं है, वो भी मत एक पब्लिक जॉब है, उसमें भी आप पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते हैं, कोशिश करेंगे कि और बड़ा प्रोफाइल मिले ताकि और कर सकें, पर अब तक जो मिला है उसमें भी मैं डेडिकेटेड होके करना चाहूँगी जितना मैं कर पाऊँ। मैं इसलिए डरता हूँ महिला अफसरों से, इसलिए उनके पास नहीं जाता, ये बोलते बहुत जाते हैं टट टट, मुझे ही ज्ञान देने लग जाती, इसलिए मैं किसी ऑफिस में जाता नहीं, महिला आईएएस आईपीएस या वो छोटे अधिकारी हों उनसे डरता रहता हूँ, अगर मैं जाऊँगा मेरे से सवाल जवाब शुरू कर देते हैं, या हमारे ये मेहर पवारी देख लीजिए जी,
बच्ची कह रही है नहीं कब तक माँ बाप के बोझ बन जाऊंगी, पलती रहूंगी पैसे से, ऐसी फीलिंग क्यों है? ये खर्च भी बहुत कम करती है, हमारा तो बहुत कम इस खर्चे में दिल्ली को पड़ी है, ये फिजूल खर्ची नहीं है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल नहीं, ये मम्मी के पुराने सूट पहना करती कॉलेज में, नए नहीं खरीदती थी, यहाँ से मम्मी के ले जाती थी क्या बात है। वास्तव में ही मैं फिर दोबारा से कहूँगा गुदड़ी के लाल, पार्ट 6 मैं दिखा रहा हूँ, ये भी गुदड़ी के लाल है। कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई इंडस्ट्री मालिक नहीं है, कोई मेल नहीं है इनके पास, कोई IAS IPS या फिर किसी इंजीनियर की बेटी नहीं है, नॉर्मल सा परिवार है छोटा सा। इनके पिताजी घर एक छोटे से हैं, इनके माता जी मैनेजर हैं, पहले तो कलर होंगे, मैनेजर तो बाद में बनी होंगी, डायरेक्ट तो लगी नहीं होंगी, लेकिन अच्छा छोटा परिवार है, गुदड़ी के लाल हैं। अपने माता जी के सूट छोटे करके पुराने और कॉलेजों पहन के जाती थी मेहर पवार। और ये मम्मी वो तो चले मतलब वैसे ही मैंने सूट तो छोटे किए किए अब देख ली कॉलेज में डेली सूट बदल के आती थी मेहर पवार। वो लड़कियाँ इनकी जो फ्रेंड है दोस्त हैं, आज तो बहुत बड़ी अधिकारी बन चुकी, चलो लेकिन वो याद कर लिए, नए नए रोज बोलती थी ना मैं फलानी दुकान से, मैं फलानी शॉप से शोरूम से लेके आई हूँ, वो शोरूम ये था कैमरे में फिर इस्लाम को कहूँगा, इस शोरूम से जाते थे, ये देख लीजिए ये इनकी माता जी है, इस शोरूम से जाते थे, इनके छोटे करके पहन के जाती थी। अच्छा छोटा कौन करता था? अब खुद नहीं मत करा लिया टेलर से या मम्मी से कभी कभी खुद भी कर लेती। हाँ जी खुद तो शायद नहीं किया, खुद से तो नहीं किया। हाँ जी अच्छी प्रेरणा दी। हाँ जी मेहर बहुत खुशी है, छोटा सा अच्छा परिवार है, हम आशा करते हैं आप अपना जॉब तो करें करेंगी, एक क्लास की नौकरी नहीं छोड़ेंगी, साथ साथ आप भगवान करे अच्छा रैंक ले गए हैं, अभी 2 महीने बाद आपकी परीक्षा होने वाली है, और उन बच्चियों को आखिर में क्या कहेंगी जो अभी आपकी तरफ देख रही हैं, सभी सुन रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगी, खासकर लड़कियों को? हम लड़कों के बारे में नहीं कहेंगे लेकिन लड़कियों के बारे में पहला इंटरव्यू करूँ आपके साथ जी। लड़कियों के लिए मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि बहुत बार होता है हमारे समाज में लड़कियों को थोड़ी कम अहमियत दी जाती है, आजकल खैर अहमियत बराबर दी जाती है, फिर भी अलग अलग तरीके की बातें हैं जिसके कारण से वो खुद को थोड़ा छोटा या थोड़ा सा इन्फीरियर महसूस कर सकती हैं। हो सकता है कि पेरेंट्स कम रिसोर्सेज उन पर खर्च करना चाहते हैं, या हो सकता है उनको एक डेडलाइन दे दी है कि इतने साल में आपने कुछ नहीं किया तो आपकी शादी कर देंगे, या इस तरीके की भी कुछ आर्टिफिशियल डेडलाइंस दे दी जाती हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि आप समाज में अभी जिस वक्त पे हैं तो वो आपके लिए बहुत कंजीनियल आइडियल कंडीशंस ना भी हों, फिर भी खुद पे भरोसा रखने की बहुत ज़रूरत है। सबको पहले खुद पे बहुत भरोसा होना चाहिए और अपने लिए बहुत सम्मान होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें अगर रहेंगी और फिर भरोसा प्लस अपने आप को आप इतना रिस्पेक्ट दें तो फिर बाद में जाकर के समाज से भी आपको वो मिलने लग जाएगा। पहले ना भी मिले तो ज़रूर आगे जाके मिलेगा। तो कोई भी चीज़ पे ध्यान ना देते हुए जो भी आपने लक्ष्य अपने लिए निर्धारित किया है केवल उसको देखते हुए उस पे ध्यान दें। बाकी लोग क्या बातें बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो सब चीज़ें मायने रखना आपके लिए छोड़ दें। ऐसा आप अपने ऊपर भरोसा रखें और अपना मेहनत करें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मेहर पवार बनी हुई थी नारनौल से, और मेहर IAS से मैंने पूछा है आप अपनी सीट पर बैठने के बाद गरीबों के लिए क्या करेंगे, पीछे खड़े हैं, तो मेहर ने वो बात पूछने की बात छोड़ी नहीं है, ये पहले ही बोल रही हैं हम गरीबों के लिए कुछ ऐसी पॉलिसी जैसे बनाएंगे, हम उस तक में तक बात पहुंचाएंगे, तो ये पूछने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन इन्होंने लड़कियों के लिए अच्छा संदेश दिया है, आप खुद पे भरोसा रखिए, खुद जज्बा अपना विश्वास होना चाहिए, कुछ भी कर सकते हैं, लोग क्या बोलते हैं क्या सुनते हैं, कौन आपकी मदद कर रहा है नहीं कर रहा है वो बात अहमियत नहीं रखती, आप में कितना जोश है, कितना जुनून है, कितना जज्बा है, कितना विश्वास है, कुछ भी कर सकते हैं। अगर वास्तव में आप IAS की तैयारी कर रही हैं तो आप मेहर पवार को देख के आप भी आत्मविश्वास भर चुका होगा और कर सकती हैं, और अपनी माता के छोटे छोटे कपड़े करके साइज के अपने वो पहन के आप कॉलेज में भी जा सकती हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लम्बा वेरे स्वगी प्रिंस लम्बा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24 नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24 जहां हर खबर मिले सच के साथ।